आज हम सीखेंगे डायरी एंट्री। अ डायरी इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो डायरी होती है हमारा एक लिखित रिकॉर्ड होता है, किसका? अनुभवों का, थॉट्स, विचारों का, फीलिंग्स का, यानी कि भावनाओं का। इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ फ्रेंड, हम इसको एक अपना दोस्त भी मान सकते हैं। विद होम यू कैन बी योर सेल्फ, जिसमें आप अपनी बात शेयर कर सकते हो। एंड शेयर योर इंटीमेट थॉट्स एंड इमोशंस, और आप अपनी निजी विचारों को, अपने भावनाओं को इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। कीपिंग अ डायरी, हम डायरी क्यों रखते हैं? यू कैन कीप ए डेली रिकॉर्ड ऑफ द पीपल यू मीट, हम रोज़ लोगों से मिलते हैं, हम उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। द एक्साइटिंग थिंग्स डैट यू डू एट होम और एट स्कूल, दिलचस्प चीज़ें जो आप घर पर करते हो, जो आप स्कूल में करते हो। और द मेमोरीज ऑफ अ हॉलीडे, या आप किसी छुट्टी पर जाते हो उसकी यादों को संजोने के लिए, ठीक है, आप डायरी लिख सकते हो। और कॉमन प्लेस, या कहीं पर भी आप जाते हो। एवरीडे इवेंट्स, यानी कि रोज़ की घटनाओं को आप डायरी में लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छे लगे वो लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं डायरी लिखते वक्त, वो क्या हैं? राइट द डायरी एंट्री इन द फर्स्ट पर्सन, इसको आपने फर्स्ट पर्सन में लिखना है, जैसे आई, ओके, एज दिस इज़ योर पर्सनल अकाउंट ऑफ द इवेंट, क्योंकि ये आपकी अपनी पर्सनल, अपनी निजी डायरी है। एट टाइम्स यू मे लीव आउट द प्रोनाउन आई, कई बार आप आई को भी रिमूव कर सकते हैं, आपका आप बिना इसको यूज़ किए भी सेंटेंस लिख सकते हैं बिना आई का यूज़ किए। सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस आर यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ डायरी, यानी कि हम सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल फ्यूचर टेंसेस का यूज़ करते हैं। इट इज़ रिटन इन वन पैराग्राफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसको एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं। राइट द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर, हमने जो इवेंट्स, घटनाएं घटी उसको बिल्कुल क्रम में लिखना है, ऑर्डर में लिखना है। प्रोवाइड इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ द प्लेस, टाइम, पीपल और द थिंग्स, अपने पूरे अच्छे से डिटेल्स देनी है उस जगह की, समय की, लोगों की, ठीक है ना, उन चीज़ों की, ठीक है, दैट वर पार्ट ऑफ द इवेंट, जो उस घटना का हिस्सा था। राइट अबाउट योर फीलिंग्स इन डिटेल, अपनी भावनाओं को डिटेल में लिखना है आपने। एंड एक्सप्लेन व्हाई यू फील दैट वे, और ये भी लिखना है आप ऐसा महसूस क्यों करते हो, यानी कि आपकी अपनी पर्सनल डायरी है, जो भी आपके मन में जो भी विचार आए आपने उसको अच्छे से लिखना है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। अब क्योंकि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हमें फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा अगर हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो डेट, डे, टाइम, ये वाला फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, ठीक है, और आपने स्टिक रहना है इसी फॉर्मेट पर, क्लियर। फिर उसके बाद हमने एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद डियर डायरी, हम इसे सैल्यूटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, डियर डायरी लिखना है। फिर आपने एक लाइन फिर से छोड़नी है और बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री, फिर आप ये लिखेंगे, ठीक है ना, और फिर आप लास्ट में अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे सिर्फ, क्लियर। नाउ अब हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल, यू आर अक्षित, यू हैपन टू गो टू दिल्ली ऑन अ क्राउडेड बस ऑन ए हॉट समर डे, बहुत गर्मी के टाइम पर आप दिल्ली गए और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आपको बस में जाना पड़ा। रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन योर डायरी, आप अपने जो अनुभव हैं उसको डायरी में लिखना है। अब देखो, अब ध्यान से समझो कैसे कैसे लिखना है। जो डेट है उसका पैटर्न यही रहेगा, ऐसे ही लिखनी है डेट, अलग भी पैटर्न्स हैं लेकिन आपने ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिखोगे ए यू जी के बाद, अगर आपने डॉट करके, ये गलत होगा, क्लियर। आपने पूरा कंप्लीट लिखना है, 10 अगस्त 2020, क्लियर। नाउ अब आती है डे की बारी, मंडे, ओके। आप ऐसा नहीं लिख सकते एम ओ एन, ओके, दैट वुड बी रॉन्ग, ये गलत होगा, इसलिए कंप्लीट मंडे, क्लियर। देन 2000 आवर्स, देखो ये सबसे जो प्रिफरेबल जो पैटर्न है ना वो यही है, 2000 आवर्स, इसका मतलब है 8 बजे, ठीक है। लेकिन
इस पैटर्न को भी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो बेटर है आपके लिए यही पैटर्न रहेगा। क्लियर? 10 PM, ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बट जो बेटर है, जो बेस्ट है, वो यही पैटर्न है। क्लियर? नाउ डियर डायरी, ठीक है ना, मैंने बताया, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आप डियर डायरी के बाद एक लाइन फिर छोड़ोगे, ठीक है। टुडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, आज मुझे जीवन का सबसे कटु का सबसे कड़वा अनुभव हुआ। आई नेवर हैड सच एन ऑफुल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, आज से पहले इतना बुरा अनुभव मुझे अपनी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली, यहाँ पर हम यहाँ पर पास्ट टेंस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई हैड गोन टू दिल्ली, या फिर आप यहाँ पर आई वेंट टू दिल्ली भी लिख सकते हो। फॉर अर्जेंट वर्क, किसी ज़रूरी काम से मैं दिल्ली जाना पड़ा मुझे, ठीक है। देर वर फ्यू बसेज रनिंग टूडे एज मोस्ट ऑफ देम हैड बीन पुट ऑन इलेक्शन ड्यूटी, क्योंकि आज बहुत कम बसेस चल रही थी इलेक्शन की वजह से। देन वेटेड फॉर 2 आवर, देखो वेटेड सेकेंड फॉर्म, ठीक है। एट द बस स्टॉप टू गेट इन टू द बस, यानी कि मुझे 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा बस के लिए। इट वॉज मच क्राउडेड, अब ये बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, यानी कि लोगों की भीड़ थी। पीपल वर पुशिंग ईच अदर, लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, धक्के लगा रहे थे। लगेज वॉज फॉलिंग ओवर पीपल, ये जो सामान था लोगों के ऊपर गिर रहा था। द बस वॉज मोर देन फुल टू इट्स कैपेसिटी, यानी कि बस के अंदर जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। देर वर ब्रॉल्स, ब्रॉल्स मतलब झगड़े हो रहे थे, इवन फिस्ट फाइटिंग, फिस्ट कहते हैं मुक्के को, घूसे को, यानी कि घूसे भी चल रहे थे, यानी कि लोग आपस में लड़ रहे थे। विच वॉज सम हाउ ब्रॉट अंडर कंट्रोल, जिसको बड़ी मुश्किल से काबू में लाया गया। बाय द टाइमली इंटरवेंशन ऑफ सम एल्डरली पैसेंजर्स, कुछ बड़े समझदार यात्रियों के इंटरवेंशन से, समझाने से। आई सम हाउ मैनेज्ड, अब देखो सेकेंड फॉर्म, ठीक है, टू गेट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ, ठीक है ना, मैंने किसी तरह से अपने लिए जगह बनाई, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, ये पास्ट टेंस में आप लिखोगे। क्लियर? इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू इवन ब्रीथ फॉर मी, ये मेरे लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एवरी वन वॉज स्वेटिंग, सबको पसीने आ रहे थे, यानी कि गर्मी का टाइम था तो सबको पसीने आ रहे थे। फाइनली आई गॉट डाउन द बस, आखिर में बस से नीचे उतरा, देखो गॉट डाउन, गेट गॉट गॉट, एंड टुक टुक, फिर से सेकेंड फॉर्म, ओके, टेक टुक टेकन, अ साई ऑफ रिलीफ, फिर मैंने चैन का सांस लिया। दिस बिटर एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी, अब देखो मैंने कहा था ना प्रेजेंट परफेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आप क्या लिखोगे, अब क्योंकि उस मोमेंट पे आप लिख रहे हो ना, तो आपने क्या लिखा, हाँ, इस एक्सपीरियंस ने मुझे एक बहुत अच्छा लेसन सिखाया है। दिस बिटर एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी एन अनफॉरगेटेबल लेसन, एक ऐसा लेसन जिसको मैं नहीं भुला सकता। अब इसका इम्पैक्ट क्या है आपके फ्यूचर पर, ठीक है, फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट है। आई विल नेवर ट्रेवल इन अ क्राउडेड बस, अब मैं भीड़ वाली बस में कभी भी सफ़र नहीं करूँगा, अपने इम्पैक्ट बता दिया। इस तरह से आप ये सारे टेंसेस यूज़ कर सकते हैं, ओके। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे सिर्फ। क्लियर? एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम इसको। यू आर समर्थ, यू रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द ऑल इंडिया CBSE नेशनल क्विज कॉम्पिटिशन एंड रीच द फाइनल, आप समर्थ हो और आपने नेशनल क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लिया और आप फाइनल में पहुंच गए। द फाइनल राउंड वॉज टेलीकास्ट ओवर द नेशनल चैनल, जो फाइनल राउंड था उसको नेशनल चैनल पर दिखाया गया। वियर यू एंड योर टीम वॉन द क्विज, जहाँ पर आप और आपकी टीम वो जीत गए क्विज को। डिस्क्राइब योर फीलिंग्स थ्रू अ डायरी एंट्री, आपने अपनी भावनाओं को बताना है, ठीक है। वैसे ही पैटर्न वही रहेगा, मंडे 22 आवर्स और 10 PM, ये प्रीफलेबल है, ठीक है ना। आप एक लाइन छोड़ोगे डियर डायरी, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे यहाँ पर, ओके, देन डियर डायरी, फिर आप यहाँ पर एक लाइन, वो मैंने बता दिया आपको। नाउ वी वर एक्साइटेड एज आवर टीम वॉज अमंग 4 फाइनलिस्ट एट ऑल इंडिया CBSE नेशनल क्विज कॉम्पिटिशन 2019। हम बहुत ज़्यादा उत्साहित थे क्योंकि हम 4 फाइनलिस्ट में शामिल थे, ठीक है।
This was an eagerly awaited moment because the final round was being telecast live. यह एक बहुत ही awaited moment मतलब इंतज़ार वाला क्षण था, क्योंकि जो final round था ठीक है ना, वो telecast किया जाना था national channel पर. Truly it was a juncture. वास्तव में ये एक ऐसा मोड़ था when we would have to test our worth, जहाँ पर हमें अपनी काबिलियत को साबित करना था. Even as we strengthened our scores, ठीक है, और हमने अपने स्कोर्स को, अंकों को मजबूत बनाया. द स्टार्ट वॉज अनइवेंटफुल एंड पैलिड, जो शुरुआत थी वो बहुत ज़्यादा डल थी, बोरिंग थी. बट इन द सुपर फर्स्ट राउंड, लेकिन सुपर फर्स्ट राउंड में आवर लक, हमारी किस्मत एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और हमारी दिमाग की वहाँ पर उपस्थिति में हेल्प अस कम अप विद द राइट आंसर, हमें सही जवाब देने में मदद की इन रिकॉर्ड टाइम में. विद फेसेस बीमिंग इन जुबिलेशन, यानी कि हमारे चेहरे थे खुशी से चमक रहे थे. वी वॉकड अप सेकेंड फॉर्म, ठीक है, टू रिसीव द ट्रॉफी, हमारे चेहरे चमक रहे थे जब हम ट्रॉफी को रिसीव करने गए. एज द ब्लाइंडिंग लाइट्स ऑफ कैमराज फ्लैश अराउंड, और जो कैमरे की जो लाइट्स थी, फ्लैश लाइट्स थी, वो हमारे चेहरों पर चमक रही थी. द इवेंट बिकेम द मोस्ट विजिटेड प्रोग्राम, ये जो इवेंट थी वो बहुत ज़्यादा मोस्ट विजिटेड, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इसको देखा, यानी कि सबसे ज़्यादा देखा. बिकेम, ये देखो सेकेंड फॉर्म, बिकम ऑफ द ईयर, एज देयर वर न्यूमरस टेलीकास्ट ऑफ अवर मोमेंट ऑफ ट्रायंफ, क्योंकि हमारे जीत के क्षण को बहुत ज़्यादा बार टेलीकास्ट किया गया. आई ऑलवेज चेरिश दीज मोमेंट्स, अब इसका इम्पैक्ट क्या है, आई ऑलवेज चेरिश दीज मोमेंट्स, यानी कि इन पलों को मैं हमेशा याद रखूँगा. ठीक है, यू विल लीव अ लाइन समर्थ, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, हैव अ गुड डे.